हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 2 यानी संरचना एम टूल यानी कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग यानी कि आप लोग को सिलेबस के रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन क्लासेस मैंने नेक्स्ट डे में बात किए थे, आज सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मशीन टूल क्या होता है। ठीक, ये सभी क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मशीन टूल क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कटाई टूल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से टॉपिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मशीन टूल क्या होता है। मशीन टूल क्या होता है, मशीन टूल का वह अंग है जिनकी सहायता से मशीनन क्रियाएँ संपन्न की जाती हैं। मशीन टूल के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑपरेशन को करते हैं, ठीक, यानी ऑपरेशन किया जाता है, ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, उनके माध्यम से यानी टूल के माध्यम से ही करते हैं। ठीक, इनका वर्गीकरण किन के माध्यम से किया गया, तो निम्नलिखित वर्गों पर किया गया। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मशीन टूल क्या होता है, इसका वर्गीकरण बताइए। ठीक, तो यहाँ पे वर्गीकरण के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक, और बेसिक टॉपिक बताऊंगा। ठीक, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे सिलेबस पूरा हो गया। अगर सिलेबस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि आप लोग को कौन कौन सा वर्गीकरण बताया गया है, तो मशीन टूल का वर्गीकरण है। ठीक, मशीन टूल का वर्गीकरण बताया गया है तो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, जैसा कि आप अगर किसी भी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मशीन टूल का बनाया गया है, या फिर हम कह सकते हैं उसे चिकनापन बनाने के लिए, फिर ड्रिलिंग करने के लिए, फिर बोरिंग करने के लिए, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए मशीन टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उत्पादन मशीन टूल यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीन टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है विशेष उद्देश्यीय मशीन टूल का प्रयोग करते हैं यानी किसी भी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए भी करते हैं। नम्य उत्पादन मशीन टूल के माध्यम से इसके विवाद यानी ये उन्नत अधिनियम मशीन होते हैं जिनका उपयोग किसी भी कारखंड मशीनन के लिए इस प्रकार होता है कि मशीनन को स्वचालित करने के लिए भी आवश्यकता की कमी होती है, यानी हम कह सकते हैं जो नम्य उत्पादन होता है वो स्वचालित मशीनों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे एग्जाम के बेस पे प्रश्न में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये क्या होते हैं और इनके वर्गीकरण बताइए। ठीक, यहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है तो कटाई टूल क्या होती है, कटाई टूल के बारे में हम देखेंगे। इस ये कटर भी होता है या उपकरण ऐसी की सहायता कारखंड में विरूपण या सहायता से अनावश्यक पदार्थों को दूर करता है, यानी हम कह सकते हैं कटाई उपकरण, कटाई टूल क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कटिंग टूल्स क्या होता है कि अगर किसी भी अनावश्यक पदार्थों को क्या करता है कि अलग करता है। ठीक, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कटाई टूल कहते हैं। इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक अस्थाई हो गया और एक अस्थाई हो गया। ठीक, अस्थाई में क्या हो जाता है यानी अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई में क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं वह पदार्थ मशीन प्रक्रम के दौरान अस्थायित्व तो बनाए रखता है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी ऑपरेशन किया जाता है वो अपना अस्थायित्व तो, अपने टूल में किसी भी प्रकार की घिसावट ना हो, ठीक, और एकदम फिक्स हो, ठीक, ऐसी प्रक्रियाएँ अगर वो पाई जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, अस्थाई कटिंग टूल्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक, वहीं पे अस्थाई कटिंग टूल्स के अंतर्गत वह पदार्थ जो समानता प्रक्रम के दौरान अपना अस्थायित्व तो नहीं बनाए रखता है वो क्या कहलाता है, अस्थायी टूल कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मशीनन संक्रिया करने के बाद उसमें धारे हो गई या फिर अपना अस्थायित्व तो खो देता है, नहीं बनाए रखता है, वो क्या कहलाता है, अस्थायी टूल कहलाता है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम के पर्पस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कटाई टूल क्या होता है, कटाई टूल का वर्गीकरण क्या होता है, इसके जो पदार्थ होते हैं यानी मटेरियल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इस बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक, इनमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इनमें से कार्बन टूल हो गया, उच्च स्टूल हो गया और उच्च गति कार्बन स्टील कार्बाइड हो गया, ढलवा लोहा कार्बेट स्टील हो गया और सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, सिरेमिक्स हो गया और सिरेमेट हो गया, सीबीएन हो गया, डायमंड हो गया, इन सभी चीज़ों के क्या होता है, इन सभी पदार्थों से एक प्रकार से कटाई टूल्स को बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे इसके बारे में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने बात किया था यानी नेक्स्ट क्लासेस यानी क्लासेस में आप लोग को यहाँ पे केवल रिवीजन क्लासेस बताई जा रही है, आप लोग को हेडिंग के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आते हैं एग्जाम में उनको समझाया जा रहा है। ठीक, कटाई टूल के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो अवयव मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, सैंक हो गया, फ्लैंक हो गया, पृष्ठ हो गया, एड़ी हो गई, नासिका हो गई, यहाँ पे इनके बारे में पूरा ब्यौरा बताया गया है इस क्लास में। ठीक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, वही फिर आ जाता है कटाई टूल का वर्गीकरण, यहाँ पे क्या बताया गया था कि आप लोगों को कटाई टूल का पदार्थ यानी हम कह सकते हैं कटाई टूल पदार्थ का वर्गीकरण बताया गया था, अब यहाँ पे कटाई टूल का वर्गीकरण, कटाई टूल का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, उसमें पदार्थ का वर्गीकरण बताया गया था ना। ठीक, और यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन बन सकती है कि यहाँ पे कटाई टूल का वर्गीकरण बताया गया, यहाँ पे कटाई टूल का वर्गीकरण दिया गया है और वहाँ पे कटाई टूल का पदार्थ का वर्गीकरण, अगर पदार्थ का वर्गीकरण पूछता है तो अस्थाई पदार्थ टूल वर्गीकरण होता है यानी कटाई टूल हो गया और अस्थाई कटिंग टूल हो गया। ठीक, वहीं पे टूल का
कटाई टूल का वर्गीकरण पूछता है, तो एकल बिंदु कटाई टूल हो गया और बहुबिंदु कटाई टूल हो गया, ठीक। यानी हम कह सकते हैं एकल बिंदु कर्तन में क्या आता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें जो एक ही कोने होते हैं यानी एक ही धारी आ जाए, ठीक, वो क्या हो चलाते हैं, जैसा कि टूलर हो गया यानी प्लेनर हो गया, बोरिंग हो गई, ठीक, लेथ टूल हो गया, ये सब क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आता है, तो एकल बिंदु कर्तन औजार के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। वहीं पे बहुबिंदु कर्तन औजार यानी बहुबिंदु कटाई टूल के अंतर्गत आते हैं, मिलिंग कटर हो गया, ये सब क्या होता है कि आप लोग को कटिंग टूल्स के अंतर्गत आ जाता है। आप घर सक पहिया हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग कटर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो बहुबिंदु कटाई टूल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। वहीं पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को दिखाया गया है यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से, तो आप लोग जाके देख लीजिए कि इनमें कौन कौन से कोण होते हैं, अनुमन कोण होता है, आकाश कोण, कर्तन कोण, धातु कटाई कोण, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम के बेस पे पर्पज से पूछ लिया जाता है, कटाई टूल का वर्गीकरण कीजिए और उनके कोणों के बारे में बात ज्ञात कीजिए, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को जाके देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप के आधार पर। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी लेथ मशीन को, किसी भी टूल को किस प्रकार से हम वर्गीकरण यानी सेटिंग करते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पूर्व संयोजित, पूर्व संयोजित का मतलब क्या होता है, किसी मशीन टूल में टूल होल्डर की सहायता से एडवांस में अन्य किसी स्थान पर टूल सेट करना रखना या पूर्वोजित टूल कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं मशीन टूल का ऐसा विशेष टूल होल्डर की सहायता से कि एडवांस में किसी टूल को हम कारखंड पे करने से पहले ही टूल को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है, पूर्व संयोजित टूल कहलाता है, ठीक। योग्य टूल क्या कहलाता है, योग्य टूल उसके अंतर्गत आता है वो उपकरण जो मशीन पर किसी स्थान पर फिट बैठता है जहाँ पर टूल एवं धारक के निर्दिष्ट डेटम के सीमा में सटीक रूप से स्थित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं योग्य टूल किसके अंतर्गत आता है, जब किसी भी कारखंड, किसी भी मशीन पर कारखंड को फिक्स कर दिया जाता है, उनके आधारित हम टूल को फिक्स करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, योग्य टूल कहलाता है, ठीक। वहीं पर अर्धयोग्य टूल क्या होता है, योग्य टूल योग्य उपकरण जो टूल के सामान्य बटनों का उपयोग करके आयामों में संयोजित किया जाता है वो अर्धयोग्य टूल कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कारखंड यानी किसी मशीन पर एक प्रकार से टूल फिक्स किया गया है, ठीक, वो आयामों पर डिपेंड करे, ठीक, यानी कह सकते हैं कि वो आयामों पर डिपेंड करे तो उनके अंतर्गत क्या कहलाता है, वो अर्धयोग्य टूल कहलाता है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है कार्यग्राही युक्तियाँ। कार्यग्राही क्या, वो युक्तियाँ क्या होती है, मशीनिंग के दौरान कारखंड को पकड़ने के लिए यंत्रीय मशीन यानी कार्यग्राही युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक प्लेट बेब सामान्यता आजकल यंत्रीय मशीनों में प्रयोग किया जाता है। यानी कार्यग्राही युक्तियाँ क्या, इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी कारखंड को क्या करते हैं, पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है वहीं पे ऑटोमेटिक टूल चेंजर यानी ऑटोमेटिक टूल परिवर्तक क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक टूल परिवर्तक क्या होता है कि सीएनसी मशीन की डिजाइन इस प्रकार किया जाए कि वह सेटिंग में कई संक्रियाएं संपन्न हो, इस व्यवस्था में ऑटोमेटिक टूल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं सीएनसी मशीन इस प्रकार से डिजाइन की जाए उनमें एक से अधिक टूलों को फिक्स कर दिया जाए, यानी फिक्स कर दिया जाए और फिक्स करने के बाद उसमें फिक्स करने के बाद क्या किया जाए, उसमें विभिन्न प्रकार के संख्याएँ यानी करने में, ऑपरेशन करने में उनमें ज़्यादा से समय टूल फंसाने में एक टाइम ना लगे, तो इनके आधार पर ऑटोमेटिक टूल परिवर्तक का प्रयोग किया गया। ये किन के प्रकार से होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं, एक ड्रम टाइप का होता है, एक चैन टाइप का। ड्रम टाइप का एक प्रकार से इस टाइप का हो जाता है और चैन टाइप का इस टाइप का, यानी जब टूल चैन को उठाते हैं तो वहाँ पर लेके जाके टूल को फिक्स कर दिया जाता है। और ड्रम में क्या होता है, एक खोखले टाइप में होता है, ड्रम को फैला लिया जाता है जबड़ों के माध्यम से, लेके जाके टूल फिक्स कर दिया जाता है, ठीक। इसके बारे में आप लोग को ब्यौरा पूरा विधिवत सिलेबस के बारे में बताया गया था, ठीक, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है सीएनसी मशीन बेड क्या होता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन बेड क्या होता है इसके बारे में विधिवत सही ढंग से आप लोग को पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, या कठोर संरचना होता है या फर्श पर फिद होता है, मशीन बेड पूरी लंबाई में फर्श बद्ध किया जाता है, इसमें 5 गाइड मार्क होते हैं, ठीक। यानी हम सीएनसी जो मशीन बेड होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक या फर्श पर बद्ध होता है, ठीक, और इनमें 5 स्लाइड यानी 5 ग्लाइड मार्ग होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से होते हैं, तो स्लाइड मार्ग हो गया पुनः प्रवाह बाल स्क्रू होता है, अच्छ ड्राइव अच्छ मोटर होता है। इनके माध्यम से क्या करते हैं कि हम लोग को जो 5 ड्राइव होते हैं यानी 5 गाइड मार्ग होते हैं, इनके माध्यम से क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं, ठीक। वहाँ पे आप लोग जाके यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट वहीं पे आता है सीएनसी स्पिंडल ड्राइव एवं मोटर क्या होता है। सीएनसी ड्राइव मोटर क्या होता है कि सीएनसी मशीन को जिस माध्यम से चलाते हैं वो क्या अलग रहता है, ड्राइव मोटर के माध्यम से चला जाता है, ठीक। यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो सीएनसी मशीन टूल
स्पिंडल ड्राइव जो उच्च यथार्थ गति की आवश्यकता होती है, स्पिंडल मोटर या वाय शीतलकता तथा वह द्रव्य शीतलक कहलाता होता है। ठीक वहीं पे हम कह सकते हैं सीएनसी मशीन टूल स्पिंडल ड्राइव को उच्च यथार्थ गति की आवश्यकता होती है, यानी सीएनसी मशीन को चलाने के लिए उच्च गति की आवश्यकता होती है। तो किन के माध्यम से चलाया जाता है, तो वो मोटर के माध्यम से वहीं पर चलाया जाता है। ठीक नेक्स्ट आता है सीएनसी मशीन की स्नेहन प्रणाली। आप कहते हैं कि स्नेहन प्रणाली किस प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें सही रूप से स्वचालित रूप से चलने के लिए हम स्वचालन यानी स्नेहन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो घुलनशील यानी स्नेहन तेल के माध्यम से किया जा सकता है, घुलनशील खटाई टूल के माध्यम से 100% पेट्रोलियम तेल से और सिंथेटियम लिक्विटिक से तेल जल निकास इनके माध्यम से क्या करते हैं, यानी इन सभी चीज़ों से स्नेहन तेल के माध्यम से यानी स्नेहन प्रणाली से कार्य करते हैं। ठीक यहाँ पे स्नेहन हो गया, शीतलन हो गया, इनके अंतर्गत हम क्या करते हैं किसी भी मशीन को सही रूप से स्वचालित रूप से चलने के लिए कार्य करते यानी डालते हैं। ठीक नेक्स्ट आता है वहीं पे चिप्स निस्तारण का प्रथाटन, यानी हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड पे जो ऑपरेशन किया जा रहा है उनको जो चिप्स कटी रही हैं उनको सही रूप से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, चिप्स निस्तारण कहलाता है। ठीक यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे परत को चिप्स भी कहा जाता है या धातु टुकड़े होते हैं जो विभिन्न संक्रियाएं टर्निंग हो गया, बोरिंग हो गया, ग्राइंडिंग आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक वही उनको जो प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, किसी भी कारखंड में जो हो गया उन्हें अनावश्यक पदार्थों को निकाल देना ही क्या कहलाता है, वो चिप्स निस्तारण कहलाता है। जो निकलती है क्या कहलाता है, ये चिप्स निस्तारण हो जाती है टूल के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को टर्निंग हो गया, बोरिंग हो गया और ग्राइंडिंग के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक तो आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को सेकेंड वाले चैप्टर्स में दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से होते हैं, तो सीएनसी मशीन टूल हो गया, ठीक, और सीएनसी ड्राइव मोटर हो गया, और वहीं पे आप लोग को सीएनसी बेड हो गया, इसके बारे में आप लोग को जहाँ पे सही रूप से ढंग से रट लेना है। ठीक तो बस आज के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छी लगे हो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।